हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुड फील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो चल रहे हैं गुप्त नवरात्रे और आज मैं लाई हूँ रेसिपी आप सब व्रत वालों के लिए जिन्होंने माता रानी का व्रत रखा है, उपवास रखा है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम आलू की सूखी सब्जी रेडी कर लेते हैं। तो अपना फ्लेम चालू करते हैं। तो ये लिए हैं मैंने आलू, जिसको मैंने छील के काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में और इनको मैंने वॉश भी कर लिया है 2-3 बार। तो आज मैं सबसे पहले आपको आलू की सूखी सब्जी बना के दिखाऊंगी, बहुत ही चटपटी और जो व्रत में बनाई जाती है, खाई जाती है और भोग भी लगाया जाता है। तो मेरे ये आलू हैं और आलू बनाना स्टार्ट करते हैं आलू की सब्जी। तो गैस मैंने अपना चालू कर दिया है और इस पर मैंने कुकर रख दिया है और कुकर गर्म हो गया है मेरा। इसमें डालती हूँ मैंने ये 1 बड़ा स्पून है ये घी, तो घी इसमें डाल देती हूँ। तो घी हो गया है मेरा गर्म, आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल पिघल गया है, गर्म हो गया है। तो मैंने लिया है ये 1/2 स्पून जीरा डाल देती हूँ, इसको करती हूँ गोल्डन। तो जीरा मेरा हो गया है गोल्डन, आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इतना ही करना है हल्का सा गोल्डन। इसके बाद में मैं लिए हैं ये 3-4 लिए हरी मिर्च, हरी मिर्च डाल देती हूँ इसमें। तो 3-4 मिनट हो गए हैं और मेरी ग्रीन चिली और मेरा जीरा हो गया है एकदम फ्राई, आपको दिखाती हूँ। मेरी मिर्चें भी बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। तो मैं डालती हूँ इसमें, मैंने ली है ये 4 ली है मैंने ये लौंग और 4 ली है ये काली मिर्ची। तो मैंने इसको कूट लिया है दरदरा, तो मैं इसको डाल देती हूँ, हल्का सा ऐसे ही भून लेती हूँ। तो मेरा मसाला भुन गया अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये अपने कटे हुए आलू। तो आलू डाल देती हूँ और ये लिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाहौरी नमक लिया है, सेंधा नमक, व्रत वाला नमक। तो मैं ये डाल देती हूँ इसमें और इसको डालने के बाद में मैं इन सबको कर देती हूँ मिक्स और मैं बनाऊंगी आलू की सूखी सब्जी। और उसमें इसमें पानी डाल दिया है, छोटी आधा कटोरी पानी डाल दिया है इसमें ताकि ये जले नहीं सूखे आलू। तो मैं इसका ढक्कन कर देती हूँ बंद और स्लो फ्लेम पर पहले मैं इसको 1 सीटी आने दूंगी और 1 सीटी आने के बाद में स्लो फ्लेम पर 5 मिनट इसको पकाऊंगी और फिर अपना फ्लेम बंद कर दूंगी। तो करते हैं पहली सीटी आने का इंतजार। तो मेरी 1 सीटी आ चुकी है और मैं इसका फ्लेम कर दूंगी बिल्कुल स्लो और 5 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने दूंगी और उसके बाद में इसे बंद कर दूंगी। और उधर मेरी सब्जी बन रही है और उधर मैं अपना पूड़ी वाला आटा रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने ये लिया है 1 कटोरी लिया है मैंने कूटू का आटा, जिसको मैंने छान लिया है। तो मैं आटा डाल लेती हूँ और ये इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो उसमें और इसके बाद में नमक डालने के बाद में ये लिया है मैंने ये 1 बड़ा चम्मच घी है, तो घी इसमें डाल लेती हूँ। और इसको डालने के बाद में मैं इसका पूड़ी वाला आटा रेडी करूंगी, जिस तरह से पूड़ी बनाई जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट डो रेडी करें आटा पूड़ी वाला। तो मैं पूड़ी वाला आटा मार लेती हूँ पहले। तो आटा कर लिया है मैंने 1 प्लेट में ट्रांसफर और मैंने इसे 5-6 मिनट बिल्कुल ही चिकना बना लिया है गूंथ गूंथ के। तो मेरा आटा हो गया है एकदम चिकना रेडी और इसे मैंने अच्छी तरह से गूंथ लिया है और ये पूड़ी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मेरा आटा हो गया है रेडी और उधर मेरे कुकर में आ चुकी है 1 सीटी। सीटी आने के बाद में स्लो फ्लेम पर मैंने 5 मिनट इसे पकाया है। तो अपना कुकर की सब्जी कर देती हूँ एक साइड में और तैयारी करती हूँ पूड़ियाँ तलने की। तो कुकर रख देती हूँ दूसरी वाली फ्लेम और जब तक मेरे कुकर का प्रेशर होता है ख़त्म तब तक मैं अपनी पूड़ियाँ की लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। तो मैं तोड़ लेती हूँ पूड़ी बनाने के लिए लोइयाँ छोटी छोटी, आप जितना भी साइज रखें उतनी ही आप लोइयाँ तोड़ सकते हैं। तो मैंने इतना साइज रखा है तो मैं इसकी पहले लोइयाँ तोड़ती हूँ, इसके बाद में इसके चिकने बॉल बना लूँगी। तो मैंने लोइयाँ तोड़ ली हैं, इसके बाद में मैं इनके चिकने बॉल बना लेती हूँ उस तरह से और इसके बाद में हम पूड़ियाँ भी लेंगे। तो मैं इस तरह से अपनी लोइयाँ बना लेती हूँ सारी इस तरह से बना लेते हैं। तो पूड़ियाँ सारी मैंने अपनी लोइयाँ बना ली हैं, अब इनको बेलना चालू करते और आपको दिखा देती हूँ। इधर मेरी कुकर में मेरी आलू फ्राई की सब्जी बनके रेडी होने वाली है, थोड़ा सा इसका प्रेशर बचा है हल्का सा। और इधर मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और घी हो रहा है मेरा गरम। और इधर मेरी लोइयाँ भी एकदम बनके रेडी हो गई हैं। तो अपनी पूड़ियाँ तलना चालू करते हैं। तो पहले बना लेते हैं अपनी पूड़ियाँ, तल लेते हैं जब तक हमारे प्रेशर में से कुकर में का प्रेशर ख़त्म नहीं होता है। तो मैं इस तरह से इनकी बना लूँगी पूड़ियाँ
और बहुत ही करारी पूड़ियाँ बनने वाली हैं। इस तरह से मैं इनको बेल के रेडी कर लेती हूँ, पहले चार छह पूड़ियों को इस तरह से। तो पूड़ियाँ मेरी सारी बिलके हो चुकी हैं रेडी, तो इनको फ्राई कर लेते हैं पहले। तो अपनी पूड़ियाँ पहले तल लेते हैं, घी मेरा हो गया है गरम और इस तरह से मैं अपनी पूड़ियाँ डाल डाल के सेक लेती हूँ पहले। उधर मेरी सब्जी भी रेडी होने वाली है, तो इस तरह से आप एक पूड़ी डालें और उसे हल्का सा प्रेस करें और फिर पलट दें, और इसके बाद में आप दूसरी पूड़ी डालें इस तरह से। और इस तरह से मैं आपकी सारी पूड़ियाँ सेक लेती हूँ। और इस तरह से मैं अपनी कुरकुरी एकदम गोल्डन कलर में पूड़ियाँ तल लेती हूँ इस तरह से। और मेरी पूड़ियाँ सिक गई हैं, इनको निकाल लेती हूँ इस तरह से, देखिए। और सारी पूड़ियाँ मेरी सिक के हो गई हैं रेडी। फ्लेम अपना कर देती हूँ बंद और अपनी पूड़ियों को पलट लेती हूँ इस प्लेट में, आपको दिखाती हूँ इस तरह से। अपनी पूड़ियों को पलट लेती हूँ इस तरह से, देखिए। और मेरी फूली फूली पूड़ियाँ एकदम रेडी हो गई हैं। तो पूड़ियाँ बन के हो चुके हैं रेडी, और अपनी सब्जी को खोल के चेक करते हैं कैसी बनी है सब्जी मेरी। तो आपको दिखाती हूँ कैसी सब्जी बनी है, एकदम सूखी सब्जी बन के रेडी हुई है, बहुत ही चटपटी मसालेदार, आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी सब्जी है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इसको मैं एक कटोरी में पलट लेती हूँ पहले इस तरह से। तो मैंने इसे पलट लिया है एक कटोरी में, तो इसे लगाती हूँ मैं एक प्लेट में। तो सब्जी मेरी है रेडी और उधर मेरी पूड़ियाँ भी हो चुकी हैं एकदम रेडी। और इसके बाद रखती हूँ एक मीठी मिठाई, और मेरी भूख की ताली हो चुकी है एकदम रेडी। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चटपटी सब्जी के साथ में करारी एकदम कुरकुरी कूटू के आटे की पूड़ियाँ नवरात्र के व्रतों के लिए स्पेशली है ये रेसिपी। और मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की।